शर्मा की बड़ी गलती मुंबई के लिए पड़ी भारी, पंजाब के खिलाफ मिली 9 विकेट से हार। आईपीएल 2021 का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। मैच में पंजाब ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 131 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी पंजाब की 17.4 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैच में रोहित शर्मा ने पूरी कोशिश की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम के ओपनर बल्लेबाज और विकेटकीपर डीकॉक एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करने में फेल हुए। वहीं ईशान किशन भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। टीम के लिए हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा। वहीं कृणाल पांड्या भी इस मैच में बल्लेबाजी करने में फेल हुए। मुकाबले में मुंबई की ओर से सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा से अच्छी बल्लेबाजी करने को मिली। पंजाब के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई को मुकाबले में 2-2 विकेट मिले। इन दोनों के बाजू में 4-4 ओवर गेंदबाजी की और 21-21 रन खर्च किए। अर्शदीप सिंह और दीपक हुड्डा को इस मैच में 1-1 विकेट मिला। पंजाब की गेंदबाजी प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम के कप्तान केएल राहुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी प्रदर्शन का नज़ारा पेश किया और 52 गेंद पर 60 रनों की पारी खेली। वहीं टीम के टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरी क्रिस गेल ने 35 गेंद पर 40 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। मयंक अग्रवाल के बल्ले से 20 गेंद पर 25 रन निकले। मुंबई के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो मुकाबले में राहुल चाहर 4 ओवर में 19 रन खर्च करके 1 विकेट झटके। मुंबई के किसी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला। मुकाबले में जयंत यादव ने मुकाबले में 4 ओवर में 20 रन खर्च किए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। मैच में मुंबई इंडियंस के मध्य क्रम के बल्लेबाज एक बार फिर फेल हुए। मुंबई इंडियंस के लिए यह पहली बार नहीं था जो उनका मध्य क्रम फेल हुआ। इस सीजन में पिछले कई मैचों में टीम के खिलाड़ियों से खराब प्रदर्शन देखने को मिला। टीम के पास सौरभ तिवारी उपलब्ध है जो कि मौका मिलने पर असरदार साबित हो सकते हैं। वहीं डीकॉक भी लगातार फेल हो रहे हैं, जबकि पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिस लिन को फिर मौका नहीं दिया गया। आईपीएल में आपका फेवरेट खिलाड़ी क्या है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।